राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही भोले भाले किसान की कहानी, जिसने अपने खेत में आए हुए भगवान शंकर और माता पार्वती और गणेश जी को अपनी चारपाई से बांध दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही सीधा साधा सा किसान रहता था, जिसका नाम भोला था। भोला की पत्नी भी बड़ी भोली भाली थी और बहुत ही सीधी थी। भोला एक साहूकार के यहाँ पर नौकरी करता था। साहूकार के यहाँ से जो कुछ भी मिलता, उसी से दोनों अपना गुजारा करते थे। एक बार उस गांव के राजा ने सभी गरीब किसानों को जमीन देने की घोषणा की। सभी लोग इस घोषणा से बहुत ही खुश हुए। थोड़ी सी जमीन भोला को भी मिली। भोला बहुत खुश था और अपनी पत्नी से बोला कि अब हम भी खेती करेंगे और अपना फसल उगाएंगे और अपना ही खाएंगे। भोली जो भोला की पत्नी थी, वो बोली, ठीक है, पर हम क्या बोएंगे? हम लोगों को तो खेती करनी आती ही नहीं है और ना ही हमारे पास बैल हैं। भोला ने बोला कि तो कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, तू परेशान मत हो। मैं साहूकार के यहाँ जाकर उनसे खेती की जानकारी ले लूँगा कि कैसे खेती की जाती है, और उनसे बैल भी मांग कर ले आऊँगा। इतना सालों से मैं साहूकार के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो वह इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। मैं अभी उनके पास जाता हूँ, क्योंकि भोला जो था वह बहुत ही भोला था और उसमें थोड़ा सा वह मंद बुद्धि भी था। भोला साहूकार के पास पहुंच गया। भोला बोला, मालिक, आज तक मैंने आपका बहुत काम किया है, अब राजा की कृपा से मेरे पास भी थोड़ी सी जमीन हो गई है। आप मुझे खेती कैसे की जाती है बता दीजिए और अपने बैल मुझे खेत जोतने के लिए दे दीजिए। साहूकार ने सोचा, यदि भोला खेती करने लगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा, इसलिए वह बोला, भोला, यह तो बहुत अच्छी बात है कि अब तुम्हारे पास भी जमीन हो गई है। एक काम करना, तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें बैल दे दूंगा और आकर ले जाना। और सेठ अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो भगवान, कल चने बोने हैं खेत में, तुमने सारे चने भाड़ में भुजवा लिए हैं। उसकी पत्नी कुछ ना बोली, पर भोला सोच में पड़ गया और साहूकार से कहने लगा, जी अच्छा मालिक, और कहकर अपने घर चला गया। घर आकर अपनी पत्नी से बोला, मैंने सोच लिया है, अपने खेत में हम चने बोएंगे, तुम जाकर चने भुजवा लाओ। पत्नी ने कहा, भला चने भी भुजवा कर बोए जाते हैं? भोला ने कहा, तुम्हें बड़ा पता है, आज साहूकार अपनी पत्नी से कह रहे थे कि चने भुनवा कर लाओ बोने के लिए, अगर चने भुजाए ना जाते तो साहूकार क्यों कहते? तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और भोला की पत्नी चने भुजवा कर ले आई। अगले दिन भोला साहूकार के घर पहुँच गया। भोला को देखते ही साहूकार बोला, आओ आओ भोला, क्या तुम बैल लेने आए हो? लगता है तुमने अपनी पत्नी से कहकर चने तो भुजवा लिए होंगे, और एक मेरी पत्नी है, कब से कह रहा हूँ कि चनों को भुजवा लाओ पर सुनती ही नहीं है। भोला खुश होते हुए बोला साहूकार से, हाँ मालिक, मैं बैल लेने ही आया हूँ, मैंने अपनी पत्नी से कहकर चनों को भुजवा लिया है, मेरी पत्नी मेरा कहा कभी नहीं टालती, मैं उतना ही कहता हूँ तो वह उतना ही करती है, जितना कहूँगा उतना करके मुझे देगी, अगर नहीं करेगी तो मैं उसे जूते से मारूँगा, इसलिए हर बात मान जाती है। और मालिक, आप भी मालकिन पर थोड़ी सख्ती सी कीजिए। भोला ने अपने मालिक से कह दिया, फिर कहने लगा, माफ़ करिए मालिक, मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। साहूकार को गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी साहूकार ने भोला को बैलों को दे दिया और कहा कि आज शाम तक ही वापस कर जाना, मैं कल खेतों की जुताई करूँगा। बैलों को लेकर भोला खुशी खुशी अपने घर लौट आया। भोला के जाने के बाद साहूकार की पत्नी साहूकार पर खूब गरजी,
आपको तो मेरी बेइज्जती करना का बहाना चाहिए। छोटे छोटे नौकर चाकरों के आगे मुझे जलील करते रहते हो। मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी, तुम रहो अपनी हवेली में। साहूकार कहने लगा, अरे नाना भगवान, ऐसा गजब मत करना, मैं तुम्हारे सा जो हाथ जोड़ता हूँ। अरे भोला तो महामूर्ख है, वह तो कुछ भी बोलता रहता है, और यह सब तो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए ही किया है। अच्छा जी, उसकी पत्नी कहने लगी, तुम मुझे उल्टा सीधा बोलोगे और मुझे यह कहोगे कि तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, तो मैं भी तो सुनो, ऐसा मेरा कौन सा फ़ायदा है कि जो मुझे जली कटी सुननी पड़ रही है। तब सेठ कहना लगा, अरे भाग्यवान, ठंडे दिमाग से काम लो। मैंने भोला से चने इसलिए भुजवाए हैं ताकि उसके खेत में कुछ पैदा ही ना हो और वह फिर हमारे घर में काम करने लगे। तुम्हें फिर घर के काम नहीं करना पड़ेंगे और तुम आराम करो। और तुम्हारी थोड़ी सी बुराई इसलिए भोला के सामने की है ताकि वह उसे किसी तरह का भी शक ना हो। वह तो यही समझेगा जब साहूकार अपने खेतों में भुने हुए चने बो रहा है तो इसी तरह चने बोए जाते होंगे, और वो भी ऐसा ही करेगा ना, उसके खेतों में फसल होगी ही नहीं और ना ही उसके पास अनाज होगा, तो वह झक मार कर हमारे घर काम करने आएगा। साहूकार की बातें सुनकर उसकी पत्नी खुश हो गई। फिर वह साहूकार से बोली, सुनो जी, ऐसा कभी मत करना, वरना मैं अब अपने मायके चली जाऊंगी। बुराई करनी है तो अपनी करो, मेरी क्यों करते हो, हाँ कि नहीं। उधर भोला बैलों को लेकर खेतों में पहुंच गया और जुताई करने लगा। जुताई करने के बाद चने को खेतों में बो दिया। देव योग से उन चनों में एक चना कच्चा रह गया था। कुछ दिनों बाद वही चना अंकुरित हो गया और एक छोटा सा पौधा बनकर निकल आया। जिस दिन भोला ने चने बोए थे उस दिन से भोला एक चारपाई लेकर अपने खेत में ही रहने लगा। कुछ दिन बाद संयोग से भगवान शंकर और माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश भोला के खेतों में से होकर गुजर रहे थे। भोला वहीं खेत में अपनी चारपाई पर लेटा हुआ लोहा लोहा चिल्ला रहा था। यह लोहा लोहा चिल्लाकर वह अपने खेतों से शायद जानवरों को दूर भगा रहा था। अब वह किसी और शब्द से जानवरों को ना भगाकर लोहा लोहा कहकर ही बुला रहा था, लेकिन इसका अर्थ किसी को भी नहीं पता था कि भोला लोहा लोहा क्यों बोल रहा था। जब भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके पुत्र श्री गणेश भोला के खेतों की तरफ से आए तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, यह कौन मनुष्य है जो इस तरह खेत में लेटा हुआ लोहा लोहा चिल्ला रहा है? शंकर भगवान बोले, हे देवी, और देवी माता पार्वती को उसके बारे में सारी बातें बताईं। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, हे प्रभु, इस मनुष्य के दुखों को दूर करिए, मेरी आपसे यही विनती है। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, इसके दुखों को दूर तो मैं कर दूंगा, यदि इसने मुझसे अपने दुख दूर करने को कहा हो, यह मुझसे कुछ कहता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपने ये कैसी बात कही? भला कोई मनुष्य आपको सामने पाकर भी अपने दुख दूर करने को नहीं कहेगा? बोले शंकर मंद मंद मुस्कुराए, फिर माता पार्वती से बोले, चलिए आप ही देख लीजिए चलकर। भगवान शंकर, माता पार्वती और पुत्र गणेश भोला के पास पहुंच गए। भोले शंकर बोले, राम राम भैया, कहो कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान शंकर ने जब बोला तो भोला ने पूछा, राम राम, हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो आप लोगों को मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, और आप यहाँ चारपाई पर आकर बैठ जाइए। यह कहकर भोला चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और तीनों लोग चारपाई पर बैठ गए। भगवान शंकर ने अपने परिचय दिया कि भोला, मैं भगवान भोलेनाथ हूँ, मांगो, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। भोला अब सोच में पड़ गया, पता नहीं कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं, भला इनसे मैं क्यों मांगूं?
भगवान शंकर ने भोला से कहा, अरे भोला तुम किस सोच में पड़ गए हो? मैंने कहा है ना, तुम्हारी जो इच्छा है वह तुम मुझसे मांग सकते हो। भोला कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है, तो हम कैसे मान लें कि तुम भगवान हो? भगवान बोले, अच्छा तो कुछ मांग कर देखो, तुम्हारा पूरा होता है कि नहीं। भोला कहने लगा, अच्छा। और इतना कहते ही भोला कहने लगा, तुम हमको दो चार लड़का बच्चा दे दो, हम जान लेंगे कि तुम भगवान हो। भगवान शंकर बोले, तथास्तु। भोला बोला, तथास्तु से क्या होता है, आपके लड़का बच्चे तो आए ही नहीं। भगवान शंकर बोले, भोला घर जाकर देखो, तुम्हारे बच्चे वहीं खेल रहे हैं। भोला कहने लगा, हाँ तुम हमको बेवकूफ समझ रहे हो कि हम यहाँ से चले जाएं और तुम हमारा साग लेके भाग जाओ? भैया हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं जितना तुम हमें समझ रहे हो। फिर भगवान शंकर बोले, तुम मेरी बात मानो और जाकर अपने घर पर देखो, हम इतने यहीं रुकते हैं। भोला कहने लगा, अच्छा तो हम तुम लोगों को खटिया से बांध कर ही अपने घर जाएंगे, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे और तुम यहाँ से भागो। भोले बाबा बेचारे अब क्या बोले। बोले, ठीक है भोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भोला ने सभी को अपनी चारपाई से बांध दिया और अपने घर को चला गया। वहाँ जाकर देखा था उसके सामने उसके घर में चार बच्चे खेल रहे थे। भोला की पत्नी ने जब भोला को देखा तो भोला से कहने लगी, हाय राम, तुम खाली खेत से आ गए हो और यहाँ घर में बिना कुछ खाए पिए? कितनी बार कहा है कि साहूकार के पास जाके कुछ काम धंधा देख लो, खेत में कुछ नहीं उगा है। देखो ये बच्चा भी भूखे हैं और हम भी भूखे हैं, अब इन बच्चों को हम क्या खिलाएं? भोला अपनी पत्नी से कुछ ना बोला, पर अपने मन में सोचने लगा, जरूर वह कोई भगवान है, या तो भगवान है या कोई जादू टोना करने वाला है। मेरे घर में पहले कोई बच्चा नहीं थे, पर अब उनके जादू से चार चार बच्चे मेरे घर में भेज दिए हैं। जल्दी से जाकर देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साग पर भी कोई जादू टोना कर दे। भोला उल्टे पांव खेत के लिए भाग लिया। उधर भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे थे, देवी और कर लो भक्तों की मदद, करने अब बंधी रहो चुपचाप चारपाई से। माता पार्वती बोली, प्रभु आपके भक्त और आपकी लीला अपरंपार है, फिर भी मेरी आपसे विनती है, इस भक्त के दुख जो दुख हैं उनको दूर करो। भगवान शंकर फिर माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जितना भी भोला मुझसे मांगेगा मैं उतना ही उसको दूंगा। फिर श्री गणेश कहने लगे, पिताजी बंदे बंदे मुझे तो भूख लगाई है। पुत्र अब भगवान शंकर बोले, अब भूख का इंतजाम भी करना होगा। भगवान शंकर इतना ही कह रहे थे कि भोला वहाँ पहुँच गया और उन सब की बातें सुन ली। तभी भोला बोला, अच्छा तो हम जान रहे थे तुम लोगों की नज़र हमारे साग पर है, इसलिए तो जादू टोना करके हमारे घर में चार चार बच्चा भेज दिए, जिन्हें हम कहाँ से जिमाएं, और तुम लोग हमारे लिए जो थोड़ा सा साग है इसे भी खा जाएं। भोले बाबा कहने लगे, अरे भोला ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कहा था इसलिए हमने तुम्हें चार बच्चे दिए, और तुम्हारी कुछ और इच्छा हो तो बताओ, मैं वह भी पूरी कर दूंगा। शंकर भगवान भोला को समझाने लगे। तो भोला ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो उन सब के खाने पीने का भी इंतजाम अब तुम ही करो, अब हम का तो इतनी कोई फुर्सत नहीं कि हम कहाँ करें, कहाँ खाएं, कहाँ पिए, और उनके खाने पीने का इंतजाम करें या अपने साग को बचाएं जो हमारे खेत में उगा हुआ है। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। और कहने लगे, भोला और कुछ मांगना है तो मांग ले, मैं वह भी दे दूंगा। तुमने बच्चे मांग लिए, उनके लिए खाना मांग लिया, अब अपने लिए भी कुछ और मांग लो। भोला अब सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हम कई दिन से सोए नहीं हैं, तो आप कुछ ऐसा कर दो कि जब हम सो जाएं तो हमारे पीछे से कोई लोहा लोहा बोले। भगवान शंकर फिर बोले, तथास्तु। और महादेव अंतर ध्यान हो गए और भोला वहीं चारपाई पर लेटकर सो गया। उसके पीछे से लोहा लोहा की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अब भोला का साग थोड़ा सा बड़ा हो गया था।
एक रात चोरों की टोली भोला के खेत में आई। चोरों को देखकर भोला बोला, अरे भैया तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारे साग को चुराने आए हो? अगर ऐसा है तो याद रखियो, हम तुमको खूब लठियाँ बरसाएंगे। चोरों के सरदार ने कहा, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया, हम तो एक घर में सेंध मारने जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी चलना है तो हमारे साथ चलो। भोला सोचते हुए पूछने लगा, ये सेंध क्या होती है? भैया हम नहीं जानते, हमें बताइए। तो एक चोर ने मजाक करते हुए कहा, अरे भैया एक जगह पर ही अपनी ज़रूरत के सामानों को लेना ही सेंध मारना होता है, अब हम वहीं जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना है तो हमारे साथ चलो। भोला कहने लगा, ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और यह कहकर भोला ने जो उसकी ज़मीन पर साग उगा हुआ था उसको उखाड़कर अपनी कमर में बांध लिया और चोरों के साथ रवाना हो गया। जिस घर में भोला चोरी करने के लिए घुसे थे वहाँ एक गाय बंधी हुई थी, और जब भोला और चोर अंदर दाखिल हुए तो अंधेरे में भी गाय ने भोला के साग को खाने के लिए जो कोशिश करने लगी। भोला कहने लगा, हाय मेरा साग, अरे काहे को मेरा साग खाती है, और जोर जोर से चिल्लाया। तब चोरों ने भोला की जो आवाज़ सुनी तो उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगे, अरे भैया चिल्लाओ नहीं तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और हम सेंध नहीं मार पाएंगे। तो भोला कहने लगा, हम कुछ नहीं जानते, देखो यह गैया हमारे साग को खा रही है। किसी तरह चोरों ने गाय से साग को बचाया और भोला सहित अंदर चले गए। अब चोर तो सारे चोरी करने में लगे और भोला एक कमरे में घुस गया तो वहाँ बर्तन में चावल और दूध चीनी उसे मिल गया। तो भोला महसे तो लगे अपना खीर बनाने। भोला जिस कमरे में खीर बना रहा था वहीं पर एक चारपाई पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। भोला ने उसकी चारपाई के बगल में ही चूल्हा जलाया और खीर बनाने लगा। वह बूढ़ी महिला कभी इधर तो कभी उधर करवट ले रही थी और उसका हाथ बार बार भोला के सामने आ रहा था। भोला कहने लगा, अरे मैया अभी खीर बनी नहीं है, जैसे ही बन जाएगी पहले तुम ही खा लियो, अभी क्यों हमें परेशान कर रही हो। फिर थोड़ी देर बाद जो बुढ़िया थी उसका हाथ फिर भोला के आगे आ गया। जैसे वह करवट लेती थी तो उसका हाथ चारपाई से नीचे लटक जाता था। तो भोला झुंझला उठा और फिर भी बड़े संयम से बोला, अभी खीर नहीं बनी है माई, जैसे ही खीर बनेगी पहले तुम ही खा लीजो, अभी हमें परेशान ना करो। और थोड़ी देर बाद फिर वही हुआ। इस बार भी बुढ़िया ने करवट बदली तो जो हाथ था बुढ़िया का वह भोला के आगे जाके लटक गया। अब भोला को गुस्सा आ गया। भोला ने खीर जो बन रही थी, गरम गरम खीर थी, महिला के हाथ पर रख दी और बोला, कह रहे हैं ना अभी खीर नहीं बनी, पर सुनती नहीं है मैया, बड़ी जल्दी है तुझे खीर खाने की, ले खा ले। बस फिर क्या था, बूढ़ी महिला लगी चिल्लाने। अब तो सब जगह जाग हो गई, सब लोग घर के जाग गए, सब लोग दौड़ते भागते वहाँ पर आ गए जहाँ पर भोला और चोर थे। अब उन लोगों ने भोला और चोर को पकड़ लिया। पहले तो सभी लोगों ने उसकी पिटाई की, फिर राजा के पास लेकर गए। अब जब राजा को सारा मामला बताया गया तो राजा खूब हंसने लगा। राजा ने चोरों को तो बहुत कठिन कारावास दिया, उनको दंड दिया और भोला को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन भोला से बोले, यदि यह इतना ही ज्ञानी होता तो कभी भी जलती हुई खीर बुढ़िया माई के हाथ पे नहीं रखता, इसका इरादा चोरी करने का नहीं था, यह तो बेचारा बड़ा भोला भाला है। फिर राजा ने भोला से उसकी कहानी पूछी और कमर में जो चने का साग लटक रहा था उसके बारे में भी पूछा। तब भोला ने अपनी सारी आप बीती राजा को सुनाई तो राजा पहले तो खूब हंसा, फिर उसने साहूकार को सैनिकों को पकड़ने का आदेश दिया। अब जो साहूकार को राजा के सैनिक पकड़ कर लाए और उसे दराज दरबार में पेश किया गया। साहूकार को राजा ने खूब फटकार लगाई और उसे कड़ा दंड दिया। भोला को राजा ने खूब सारा धन दिया कि भोला अब राज दरबार से जब जाने लगा तो राजा ने भोला से पूछा कि भोला ये तुम्हारे पीछे से लोहा लोहा की आवाज़ क्यों आ रही है? तो भोला ने उन्हें अपनी और भगवान शंकर माता पार्वती और गणेश जी की आने की सारी बात बताई।
राजा ने कहा, धन्य हो तुम भोला, जो ईश्वर ने तुम्हें दर्शन दिए। तुम कितने दिल के सच्चे हो, कितने सीधे साधे हो, भगवान तुम्हारे सामने साक्षात आ गए। और एक बात मेरी सुन लो भोला, यदि अब की बार तुम्हारे सामने भगवान आ जाएं, तो उनसे थोड़ी बुद्धि मांग लेना। यह बात भोला ने गांठ बांध ली और अपने खेत में आकर फिर चने के साग को जमीन में लगा दिया और अपनी चारपाई पर सो गया। संयोग देखिए, उसी दिन फिर भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश रिद्धि सिद्धि संग भोला के खेत में पधारे। राम राम भैया, कहो तुम्हारे साग में दाने आए कि नहीं आए, भगवान शंकर ने भोला से पूछा। तो भोला रोने लगा और कहा कि का बताएं भैया, सब सत्यानाश हो गया। उन चोरन की वजह से हमारा साग भी सारा सूख गया। तो भगवान शंकर कहने लगे, अच्छा तुम रो मत, तुम्हारा साग अभी फिर से हरा भरा हो जाएगा। और भगवान शंकर ने भोला से कहा कि तुम देखो, अभी तुम्हारे पूरे खेत में साग ही साग लहला उठेगा। भगवान के आशीर्वाद से भोला के खेत में सारे चने अंकुरित हो गए और सारा खेत हरा भरा हो गया। भोला ने अब यह देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। तभी भोला को राजा की बात याद आ गई। भोले शंकर से बोला, यदि तुम भगवान हो और सच में भगवान हो, तो हे प्रभु, तुम मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे दो। अब भगवान थोड़ा मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कहा और फिर अंतर ध्यान हो गए। ईश्वर की कृपा से भोला अब बहुत बुद्धिमान हो गया था। उसके घर में धन संपत्ति भरपूर हो गई, बाल बच्चे भी हो गए। अब भोला खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा और अब उसे सही गलत की पहचान हो गई थी, क्योंकि अब उसमें बुद्धि आ गई थी। अब वह इतना सीधा साधा नहीं रहा था, अब वह अपना अच्छा बुरा सोच सकता था। हे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।